की दिल्ली में फिर शुरू हुआ मिशन बुलडोजर। रोहिणी और मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये बड़ी खबर इस समय। दिल्ली में फिर से मिशन बुलडोजर शुरू हुआ है और ऐसे में आपको बता दें कि रोहिणी और मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से अतिक्रमण का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि रोहिणी में लगातार अतिक्रमण को हटाने की तैयारियां की जा रही है, बुलडोजर का एक्शन जारी है और कई जगहों से अतिक्रमण हटाया गया है। शाहीन बाग हो चाहे फिर इसके अलावा बात करें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और ऐसे ही कई जगहों से मंगोलपुरी, वहां से भी अतिक्रमण हटाया गया और अब रोहिणी और मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है और ऐसे में आज एक बार फिर से ये एक्शन जारी है। रोहिणी और मदनपुर खादर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों की ओर से इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन ये एक्शन लगातार जारी है। कह रहे कि अगर मेरे जेल जाने से गरीबों के मकान बचते हों तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। ये 5-5 लाख रुपया लेकर के मकान छोड़ते हैं, जो नहीं देता उसका मकान तोड़ देते हैं। या धंधा इनका भी एमसीडी का, न जाने कितने लोग हैं, आप सबसे पूछ लो। यार वो तो इंक्रोचमेंट रिमूवल डेट थी, वो भी गड्ढा कॉलोनी की, बदरपुर की। बदरपुर में जाना था, वहां बीजेपी के एमएलए उधर से इधर आ गए, उधर से इधर आ गए, वहाँ बीजे वहाँ था ना, यहाँ तो था ही नहीं। ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कहीं भी कंचन कुंज मदनपुर खादर नहीं था। वो कह रही है साहब, आप सुनो, वो ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा हूँ मैं कहाँ बिगाड़ रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, कोई धक्का हमने नहीं दिया, कोई पत्थर हमने नहीं मारा। कह रहे सरकारी काम में बाधा डाल रहे। अरे अगर आप गरीबों के मकान तोड़ोगे तो मैं तो आऊँगा। आप मकान तोड़ने की बात तो की नहीं थी आपने, तो इंक्रोचमेंट रिमूवल की बात की थी। इंक्रोचमेंट रिमूवल में मैं आपके साथ हूँ। यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं, आप देख लो पूरे रोड पे, एक जगह दिखा दो कि कहीं इंक्रोचमेंट हो। क्या बुलडोजर नहीं चलने देंगे इस इलाके में कहीं भी? देखिए अगर इलीगल चलेगा, डरा के चलेगा तो मैं नहीं चलने दूंगा। मैंने इनसे कहा कि एक आदमी भेज दो, अगर आपको लगता कहीं किसी का कुछ बाहर है मैं तोड़वा दूंगा, लेकिन आप पुलिस के बदमाशी से आप इस तरह मत करो। कह रहे कि अगर मेरे